दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। NHM कर्मियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि धरना प्रदर्शन एक महीने से चल रहा है, जिसमें अभी तक कोई लिखित उन्हें नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो यह इससे भी अधिक व्यापक धरना होगा। और साथ ही साथ उन लोगों ने कहा कि मार्च भी निकाला जाएगा, यानी उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, और उग्र प्रदर्शन करने के बाद हम लोग को अनशन पर भी जाना होगा तो हम लोग अनशन पर जाएंगे। चूँकि इन लोगों का कहना है, NHM कर्मियों का लगातार कहना है कि हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है और हम लोगों की सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हम लोग बाध्य होकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हमारा जो है मांग है कि हम लोग आज एक महीने से बैठे हुए हैं, 22 से ही हमारा स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था और आज 22 तारीख है, जो कि एक मंथ हो गया हमारा कंप्लीट। FRS को लेके हम लोग मतलब स्ट्राइक पे थे और हमारा कैडर और बहुत सारी मतलब ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम लोग डेली फेस करते हैं, वो अलग अलग जैसे ब्लॉक है और मतलब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में है ना NHM कर्मी, वो लोग हर तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, टाइमिंग को लेके क्या है कि FRS में हमारा जो है 9 से 5 है, 5 बजे कहीं कहीं गांव वाले एरिया में ये साधन नहीं है, सुख सुविधा नहीं है और हमारा वेतन भी टाइम से नहीं मिल पाता है। इस इन सारी प्रॉब्लम को लेकर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। नहीं, बस सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई लिखित या कोई लेटर हमारे पास नहीं आया है। हाँ, बस बोला जा रहा है कि आपकी मांगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं ये पता नहीं है हमारा। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इस पर अगला कदम आप लोगों का क्या रहे? अभी देखिए, सरकार बोल रही है लेकिन कंफर्म नहीं है कि कब तक वो करेंगे। अगर ऐसा है तो अभी हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। मैं CHO हूँ, नेहा कुमारी। यही मांग है कि तीन मांगों को लेकर आप लोग एक महीना से बेचती हो, आज एक महीना हो गया, उसके बावजूद भी आप लोगों का मांगों को पूरा। हम लोग का मांग है कि समान काम का समान वेतन देना चाहिए और जो ये फ्रेश फेस अटेंडेंस है उसको हटाना चाहिए। आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? आज एक मंथ हो गया, उसके बावजूद भी सरकार खाली आश्वासन दे रही है, कुछ इसको इसका कोई सुनाई अभी तक लेटर नहीं आया है, खाली बस भूलवाते जा रहे हैं कि बस होगा, बस इसके लिए कुछ अभी सुनवाई नहीं है। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।